हेलो सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? ऑडियो जा रही है? ओके यस सर, अभी आ रही है। हाँ ऑडिबल सर। ओके ओके ओके, बस स्टार्ट करते हैं, आ जाए सभी लोग। 1 से 2 मिनट वेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। आज किसने ज्वाइन किया है? हेलो ऑडियो ज्वाइन करिए तुरंत, मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना। म्यूट रखेंगे सभी लोग। ऑडियो ज्वाइन करिए सभी लोग, ज्वाइन ऑडियो। आप में से कई लोग ऑडियो ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस यस सर। तो ये लोग हैं जो अभी सर। ऑडियो हाँ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सुशांता करके हैं और शिव कुमार करके हैं। तो ओके, अभी ऑडियो ज्वाइन किया एक लोगों ने। तो शिव कुमार एक एक डिवाइस से आप ज्वाइन करिए। दो डिवाइस क्यों दिखा रहा है? दो शिव कुमार हैं क्या इसमें इनरोल? हेलो। हाँ जी हाँ जी, सर अभी आ रहे सर मेरे वॉइस? ओके, हाँ जी, वो मोबाइल से ज्वाइन किया सर, फिर से मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया उसको, उधर से ओके। डिस्कनेक्ट तो हो
हेलो। हाँ जी हाँ जी ओके सर। ओके स्टार्ट करते हैं सेशन। किसी का मैसेज है वर्जन 1.1 के बारे में, सो डोंट वरी, अगर कुछ रेयर अपडेट होगा तो मैं उसको टॉपिक में ऐड कर दूंगा इस सिलेबस में। ओके, कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है आप लोगों का। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। सभी कंटिन्यू करना चाहिए अपना टॉपिक। और CCNA जो भी प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, ये कॉम्बो बैच है विथ राउटिंग स्विचिंग CCNP का। CCNP राउटिंग स्विचिंग हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो ये काफ़ी एक बेसिस टू एडवांस नेटवर्क इंजीनियर प्रोग्राम है। क्लियर है? तो एज अ यस सर। नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, यू कैन कवर मल्टीपल सब डोमेन विद द हेल्प ऑफ CCNA एंड CCNP एंड नेटवर्क सिक्योरिटी टॉपिक आर सिलेबस। सो दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू ग्रो इन IT सेक्टर एज अ नेटवर्क इंजीनियर आर मेनी अदर प्रोफाइल्स। सो यू विल बिकम एन एक्सपर्ट आफ्टर दिस कोर्स, क्योंकि काफ़ी डीप डाइव लर्निंग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सो बिफोर CCNA सिलेबस, लेट मी एक्सप्लेन सम फंडामेंटल टॉपिक। गॉट इट? यस फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क। सो नेटवर्क का फंडामेंटल हम लोग यहाँ पर लर्न करेंगे और एक दो सेशन मैं इस पर करूँगा। एंड आई थिंक ये दोनों सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा टू क्लियर योर बेसिक, लाइक बिल्कुल जैसे ABCD होता है ना, उस लेवल पर मैं इसको क्लियर करा देता हूँ। ओके, सो A to Z की जानकारी लेने के लिए हमें फंडामेंटल का नॉलेज सबसे पहले होना जरूरी है। मैं डायरेक्टली एडवांस पढ़ा दूँ आप लोगों को, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट करोगे आप लोग, राइट? तो कहीं ना कहीं हम लोग फंडामेंटल को पहले अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। और ये जो भी फंडामेंटल का सिलेबस होगा, मैं कोशिश करूंगा सभी लोग लाइव इंटरेक्टिव रहेंगे, इंटरेक्टिव सेशन रहेंगे, अपना क्वेरी क्वेश्चंस थोड़ा सा नहीं होता है, बिल्कुल क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जैसे क्वेश्चन आंसर करते हुए। क्लियर है? तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होगा, आप लोग आंसर करोगे। फंडामेंटल आई थिंक सबको पता होगा, जिनको नहीं पता वो लोग भी देखे कैसे जो कुछ भी है बेसिक क्वेरीज और सारी चीज़ें होती हैं, वट एवर, या डायरेक्ट सोचते हैं एडवांस टॉपिक स्टार्ट करें। बट रेयरली मैं बता रहा हूँ, या सॉरी डेफिनेटली, कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं फंडामेंटल में जो हम लोगों को पता नहीं होता है। ओके, सो जस्ट अ बिगनर गाइड हम लोग इसको लर्न कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज नेटवर्क। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है लाइक व्हाट इज नेटवर्क, तो कोई भी आंसर कर सकता है। एंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग एनीथिंग यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन आंसर इन एनी वे, जैसे आपको अच्छा लगता हो उस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। connection between two devices, like where we can define the traffic and we can share the data between the two devices. ओके, थैंक हेलो यू सर। थैंक यू थैंक यू। ओके सर। एनीवन एल्स, कोई और? देखो, हमेशा इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना और समझना कि ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हमारे सामने इंटरव्यूअर ने रखा है, व्हाट इज नेटवर्क, एंड यू कैन आंसर इट, आप इसको आंसर कर सकते हो। और एज अ आंसर ऐसा करना है कि आपका बेस्ट शॉर्ट आंसर हो, क्लियर आंसर हो,
एक चीज और मैं बता दूं कि देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डीप डाइव व्हाइल इंटरव्यू एंड ऑल राइट ओके। और सिंपल और हाँ बताइए। सर इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ओके गुड। और कोई दो लाइक आंसर टू और मिले, मोर भी हो सकते हैं। टू आर मोर डिवाइसेस, मोर देन टू डिवाइसेस, कुछ भी है बोलिए, अंडरस्टूड है। दो आंसर मिला और मैं चाहूंगा कम से कम 10-15 तो मिलना चाहिए आंसर। कम्युनिकेट विथ मेनी अदर डिवाइसेस एंड कम्युनिकेट बाय द डेटा ट्रांसफर दैट इज नेटवर्क। ओके ग्रेट। और कोई कुछ? सर इट इज अ सिस्टम डेट अलाउ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर। ओके गुड। सो यही आंसर है, और जो बेसिक आंसर्स है उसको आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें। तो नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आर नेटवर्किंग डिवाइसेस राइट। मैं थोड़ा सा इधर लिखकर चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, सो कोऑपरेट करेंगे आप लोग। सो ग्रुप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ग्रुप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो जहां पर मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हों। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। लाइक यू कैन कनेक्ट स्विच फॉर नेटवर्क और नेटवर्किंग, यू कैन कनेक्ट पीसी, यू कैन कनेक्ट लैपटॉप, यू कैन कनेक्ट सर्वर्स, एम आई राइट? यू कैन कनेक्ट प्रिंटर्स, नेटवर्क प्रिंटर्स एंड ऑल, यू कैन कनेक्ट टैबलेट्स, मोबाइल, अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस। सो देयर आर मेनी नेटवर्किंग डिवाइसेस विच वी कैन यूज टू कनेक्ट एंड मैनेज क्लियर है? यस सर। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर आपके बैच से, बैच आईडी के लिए। बैच आईडी आपको अगर हमारे एंड से चेंज होगा तो मिल जाएगा, कोई अपडेट नहीं करना है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CCNA डे वन, बट इसको डे वन भी नहीं मानेंगे हम लोग, इसको जस्ट बिगनर गाइड मानेंगे। ओके ओके। सो पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, दीज आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड वी कैन कनेक्ट दीज नेटवर्किंग डिवाइसेस थ्रू एनी मीडियम। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम वी हैव टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर? थ्रू वायर एंड वायरलेस टू टाइप यस। वायर एंड वायरलेस। सो टू मीडियम, वन इज वायर्ड, अनदर वन इज वायरलेस। वायरलेस ग्रेट। सो दो मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में और डेटा शेयर कर सकते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क। एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग? डेटा शेयरिंग प्रोसेस है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ यस सर। शेयरिंग इंफॉर्मेशन। डेटा शेयरिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। गॉट इट? ये हमारा क्या कहलाएगा? नेटवर्किंग प्रोसेस। सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क
तो पहला क्या होता है हमारे पास, या ऐसा कोई कंप्यूटर नेटवर्क लाइक लैन, आपने सुना होगा, ऐसा मैन, लैन वैन वैन, पैन, कैन। सो दीज आर द कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स। ओके, सो व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। The group of devices connected internally in a same location, sir. राइट, सो स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया Yes, exactly. आर अ लोकल नेटवर्क, स्मॉल एरिया हम लोग बोल सकते हैं, या हमारा जो लोकल नेटवर्क है, ओनली इंटरनल आर प्राइवेट नेटवर्क, राइट। आप इंटरनेट के साथ जहां कनेक्ट हो जाते हो, जैसे मान लिया कि आपके घर का नेटवर्क, आपके घर पे 10-20 कंप्यूटर हैं, 100 कंप्यूटर हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, उन पर कोई इंटरनेट ऐसा सर्विस नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो लोकल एरिया नेटवर्क है ना। यू कैन नॉट शेयर एनी इंफॉर्मेशन विथ अदर नेटवर्क। तो वो नेटवर्क हमारा जो दूसरे नेटवर्क के साथ नहीं कम्युनिकेट हो रहा है, वो क्या होगा? आपका लैंड नेटवर्क होगा। क्लियर है? यस अनदर वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो द कनेक्शन बिटवीन टू आर मोर लैंस विथ ईच अदर, राइट। तो हम लोग बोल सकते विथिन हैं कि सेम जियोग्राफिक रीजन. राइट, सो लैन प्लस लैन, जहाँ पर हमारे मल्टीपल ब्रांच आपस में कनेक्टेड हो, राइट, और ऑफिसेस ब्रांच, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, या मल्टीपल फ्लोर, मल्टीपल बिल्डिंग्स, आपस में हम हमारे खुद के नेटवर्क को या खुद की कंपनी के मल्टीपल इंफ्रा को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो ये हमारा क्या होगा? एक तरीके का मैन बेस्ड नेटवर्क होगा। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन कनेक्ट मल्टीपल्स लैन विथ ईच अदर थ्रू मैन। ओके, एंड वैन, वैन इज अ इट्स अ डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन. डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, लाइक इंटरनेट कम्युनिकेशन, राइट, और इंटरनेट यस कनेक्शन। सो व्हाट अबाउट पर्सनल एरिया नेटवर्क, लाइक हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ और ऐसा जो भी हम लोग पर्सनल पर्पस से इस्तेमाल करते हो वो। देन व्हाट अबाउट कैंपस एरिया नेटवर्क, व्हाट इज कैंपस एरिया नेटवर्क? जो कॉलेजेस में यूज होता यस यस, सो कैंपस एरिया नेटवर्क, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। कैंपस सर कैंपस एरिया लाइक वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग, लाइक कैंपस हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स. राइट। तो कैंपस मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स नेटवर्क, और वन बिल्डिंग टू अदर बिल्डिंग नेटवर्क, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, है ना, कॉलेज। सो दीज आर द कैंपस एरिया नेटवर्क, वेयर मल्टीपल्स वाईफाई यूजर और वायरलेस यूजर कैन शेयर इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर, आर अ पोर्टेबल नेटवर्क इन अ लोकल एरिया और इन अ कैंपस, इस कम अंडर कैंपस एरिया नेटवर्क, राइट। तो ऐसा नेटवर्क जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर होता है, सभी यात्री वहां पर अपना कनेक्शन एक्सेस करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। ओके, एयरपोर्ट वगैरह पर भी ऐसा फ्री कनेक्शन एंड ऑल। एंड ऑल्सो यू कैन सेट अप एज अ नेटवर्क इंजीनियर, म्यूट कर लीजिए। अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज लेट मी क्लियर, देन ट्राई टू आस्क। ओके, मैं क्या बता रहा था, कैंपस मीन्स लाइक स्कूल, कॉलेज, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जाए लाइक एयरपोर्ट, ऐसे नेटवर्क का हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। कैंपस मीन्स सेम लाइक वायर लैंड नेटवर्क, बट इट इज बेस्ड ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन, राइट। तो ऐसा हमारा नेटवर्क क्या होता है? कैंपस एरिया का नेटवर्क होता है। कॉलेज है, वहाँ पर मल्टीपल बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है, साइंस डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केम डिपार्टमेंट, बायो है, अदर रिसर्च डिपार्टमेंट है, लैब डिपार्टमेंट है, इन सभी का एक वायरलेस कैंपस डिजाइन किया जा सकता है थ्रू वायरलेस नेटवर्किंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक कैंपस एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा।
क्लियर है सभी को? सर स्मॉल क्वेश्चन है, अगर हम हमारा हाँ, थ्रू सैटेलाइट वो कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं सर? आई मीन सैटेलाइट इज अनदर थिंग. सैटेलाइट इज अ जियोग्राफिकल कम्युनिकेशन, राइट? ओके फाइन सर अगर गॉट हम इट। लोग सैटेलाइट अगर लें, या सी सेट बी सेट टाइप का नेटवर्क है, तो वो कंपनी का प्राइवेट कनेक्शन हो जाएगा, और वो एक तरीके का वाई मैक्स लाइक टेक्नोलॉजीज वगैरह में आ जाएगा, राइट? ओके सर ओके वो अनदर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट के साथ आप प्राइवेट कनेक्शन ले सकते हो, है ना? या ऐसा हो सकता है, बट वो डिफरेंट कनेक्शन है. वो कैंपस एरिया नेटवर्क नहीं बोलेंगे, वो इंटरनेट मॉडल हो जाएगा, वाइड एरिया कनेक्शन, राइट? क्योंकि ओके वहां पर सर मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है. हालांकि आपने किसी अदर को परमिशन नहीं दिया, इसलिए कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको, है ना? तो सर ऐसा ये सर ये कैन लैन एरिया नेटवर्क नहीं हो सकता, लैन नहीं हो सकता कैन, क्योंकि लैन, कैन भी तो वायर कैन तो कैन सिर्फ वायरलेस कनेक्टेड हो रहा है ना, सिर्फ लैन तो हमारा छोटे एरिया में कनेक्टेड हो रहा है। हाँ, लैन और कैन. क्या आप एक एयरपोर्ट पर लैन कनेक्शन दे सकते हो? सभी यूजर अपने मोबाइल या लैपटॉप में केबल के थ्रू कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं सर कैंपस एरिया तो की नहीं जरूरत सर पड़ेगी. हम लेकिन लेकिन हम लैन को भी तो हम सर वायरलेस बना सकते हैं ना, लेकिन हम लैन को वायरलेस बना सकते हैं. एक लैन को जब हम वायरलेस में ऐसे बनाएंगे कि एक एरिया में वो इस्तेमाल हो रहा है, राइट, एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एज अ कैंपस बेस्ड नेटवर्क हो जाएगा. ओके, आपके ओके पास लैन है और 4 फ्लोर है, 4 बिल्डिंग है, हर फ्लोर पर तीन तीन ठीक ब्लॉक है. म्यूट कर लो उधर से, किसकी तरफ नॉइज आ रहा है? अब डिस्टर्ब ना हो प्लीज. जिनकी तरफ नॉइज है वो अनम्यूट करें ही ना. वो चैट बॉक्स में अपना मैसेज रख सकते हो, और मैं चैट अभी पर्टिकुलर टाइम पर पढ़ लूंगा. ओके, बीच बीच में आवाजें आ रही हैं, डिस्टर्ब हो जा रहा है ऐसे सेशंस, तो अब थोड़ा सा कोऑपरेट करिए. टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया, राइट? तो जिनकी तरफ बैकग्राउंड नॉइज है वैसे भी डिस्टर्ब ही होगा, तो म्यूट करके रखें और अपनी क्वेरी को चैट बॉक्स में पूछ लें, और मैं एक स्पेसिफिक टाइम पर चैट पढ़ लूंगा. अभी किसी का क्वेरी है मुझे समझाने दो. अगर ऐसे आप लोग एडवांस टॉपिक वगैरह में करेंगे, तब तो फिर क्या होगा, आपको पता चला मैंने बेसिक क्यों पढ़ाया, या मैं क्यों यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, ताकि आप समझ जाओ कि क्लासेस कैसे लेनी है, क्या करना है, राइट? नुकसान ना हो डायरेक्टली कि आप मेन टॉपिक मिस कर दो. सो ट्राई टू कोऑपरेट, अंडरस्टैंड एंड मेंटेन द सेशन, राइट? कि क्या करना है क्या नहीं करना, अपने एंड से भी थोड़ा सा मेंटेन करें. हाँ, तो मैं क्या बता रहा, जैसे इनका डाउट है कि लैन जो एरिया है, ये भी तो हम लोग वाईफाई में एक सेटअप कर लेते हैं, वाईफाई राउटर लगा देते हैं, और लोकल एरिया में लोग कनेक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं. यस आर नो? यस सर बट एक वाईफाई जो नेटवर्क होता है, क्या उतना स्ट्रांग होगा जितना हमारा कैंपस एरिया का नेटवर्क होगा? आई थिंक आपने वाईफाई नेटवर्क को ही जस्ट समझ लिया. देर आर मेनी क्राइटेरिया एंड सेटअप मॉडल, ओके, इन वाईफाई नेटवर्क. ओके, बहुत सारे तरीके से वाईफाई जी नेटवर्क कन्फिगर होता है. मैं सीसीएन ने वाईफाई का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको मल्टीपल एक्सेस पॉइंट, कैसे कैंपस के अंदर पूरा का पूरा कैंपस वाईफाई बना सकते हो, राइट, ये सारी चीजें. मैं सिंपल एक सवाल आपसे पूछूं कि आप वाईफाई के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं, तो आप ये आंसर कर दो कि अगर हमारे पास एक वाईफाई राउटर है, तो वो कितना एरिया कवर करेगा? कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ. अप्रोक्स 10 मीटर, लाइक 10 मीटर मीटर के के आसपास आसपास होगा. सर। 30 फिट्स, बैंडविड्थ ऑफ द राउटर सर हाँ, बट 90%+ बोल सकते हैं 10 मीटर का है, 30 फिट का एरिया कवर होता है बाय डिफॉल्ट जो वाईफाई राउटर्स होते हैं, राइट, है ना? जी सर अगर उसको अपग्रेड करना है, ऐसा कोई करना है, तो वो ऐसे राउटर पर अपग्रेड नहीं करेगा, फिर वो अदर सिस्को डिवाइसेस और उसके साथ कोऑपरेट करेगा, उसके साथ जाने की कोशिश करेगा, राइट, जो कि एक बड़े कैंपस को कवर करता हो, तो जहां पर कैंपस की बात आ ही जाएगी, राइट, है कि जी नहीं? सर अगर हमारा पूरा फ्लोर
500 स्क्वायर फीट में है, सो इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट एवरी यूजर विथ वाईफाई नेटवर्क, बेसिक वाईफाई राउटर? अगर 20 मीटर का अच्छा कनेक्शन ले लो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे कहने का मतलब, अगर बाय डिफॉल्ट ले लें 30 फिट है, बट अगर मान लिया कि ये 30 फिट, चलो मान लिया 50 फिट का, अगर कोई बहुत बढ़िया राउटर है 50 फिट ले लें, और ले लें 60 फिट ले लें, ऐसा है नहीं, बट ये आंसर करना है 10 मीटर होता है 30 फिट होता है बाय डिफॉल्ट, राइट? ये आपको आंसर करना है, कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो बाय डिफॉल्ट अच्छा रेस्ट तो 80 किलोमीटर तक आप कर सकते हो, 50 माइल्स तक का कवर कर सकते हो वाईफाई के थ्रू, बट दैट वॉज अनदर नेटवर्क टाइप्स, राइट? वो अलग चीजें होती हैं, कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, एक ही बार सब कुछ नहीं पढ़ सकते, राइट? तो पॉइंट पर आते हैं, तो 30 फिट अगर ऐसा है, तो अगर मेरा ऑफिस जो है 100 फिट का एरिया कवर कर रहा है, थोड़ा सा समझना पॉइंट को, और मेरा यहाँ पर एक वाईफाई राउटर लगा दिया, एक अनदर 30 फिट पर लगा दिया, एक अनदर 30 फिट पर लगा दिया, गॉट इट? ओके सर, अगर यहाँ पर रोहन हमारे इस वाईफाई से कनेक्टेड है, और वो मूव होकर यहाँ पर आ जाता है, 100 फिट इधर आ जाता है कैंपस में घूमते घूमते, सो क्या रोहन को इस राउटर का एक्सेस मिल जाएगा विदाउट इंटरप्शन और नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क इंटरप्शन? वो डिस्कनेक्ट हो सर जाएगा रेंज से बाहर जाने के बाद, दूस बट आप एक एयरपोर्ट पर किसी भी लोकेशन पर जाओ, आपको वही कनेक्शन मिल जाता है ना? सर विदाउट डिस्कनेक्शन हाँ, डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्ट नहीं होते हो आप, सर, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हो। मल्टीपल राउटर्स रख के उसको ट्रैफिक मूव करते शायद। हाँ, मल्टीपल्स राउटर यहाँ पर भी मैंने रखा, बट दीज आर द बेसिक्स राउटर, ये कैंपस के लिए नहीं, एक पूरे कैंपस को कवर नहीं कर सकते उस लेवल पर, ये नॉर्मली एक एरिया में काम कर रहे हैं ना, उसके बाद इधर के एक एरिया में, इधर के, तो मल्टीपल नेटवर्क हो जाएंगे बड़ी एरिया को कवर करने के लिए, एम आई राइट? ओके यस सो सर टू एस्टेब्लिश अ कैंपस नेटवर्क, यू मस्ट नो दैट हाउ टू सेटअप एंड हाउ टू कनेक्ट एवरी यूजर विदाउट एनी नेटवर्क इंटरप्शन थ्रू 100 फीट ऑफ नेटवर्क, आर इन 100 फीट ऑफ नेटवर्क, आर 200 फीट ऑफ नेटवर्क, आर 500 स्क्वायर फीट ऑफ नेटवर्क एरिया, ये सारी चीज़ों के लिए। तो हम लोग इसको, जब हम लोग WLC कंट्रोलर और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसमें सेटअप वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे कैसे क्या है, विथ लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। सो कैंपस नेटवर्क इज अ लार्ज नेटवर्क जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर, मल्टीपल यूजर ट्रैफिक में हो और यूज़ कर रहे हो इंटरनेट को, है ना? एयरपोर्ट, बस स्टेशन का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि आप ट्रैफिक, भीड़ और सारी चीज़ों को देखकर समझ जाओ, एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है, ओके? बट आपका जो नॉर्मल राउटर होता है, वो भी अगर एक एयर एयर या बस स्टेशन या क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट एयरपोर्ट, ऐसे जगह पर आप लगा दो, तो भी क्या होगा? क्या पूरा एयरपोर्ट एक वाईफाई राउटर से हो जाएगा? दो तीन लगाओगे तो भी शायद वहां पर इंटरप्शन होगा। तो होप कि क्लियर हो गया होगा, कैंपस एरिया नेटवर्क इज अ वायरलेस बेस्ड नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क हमारा लैन केबल के थ्रू जहां पर सेटअप होता है। लैन केबल में जब हम लोग वाईफाई सेटअप करते हैं, तो जस्ट फॉर बेसिक पर्पज, ओके? कि हमें कुछ यूजर को कनेक्टिविटी देना है एक लोकल एरिया, एक लोकल फ्लोर पर, ओके? ओके सर गुड। और किसी को कोई क्वेरी? नो सर ओके, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट एज अ सर CCNA स्टूडेंट। आपसे कोई इतना बेसिक नहीं पूछेगा, बट स्टिल आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में भी। हाँ, पूछिए, क्या पूछना है? सर, कैन नेटवर्क को क्या हम वायरलेस लैन बोल सकते हैं? किसको? कैन जो नेटवर्क है, लैन मैन वैन पैन कैन है, इसमें जो कैन नेटवर्क जो होता है, जो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, इसको क्या हम वायरलेस लैन बोला जा सकता है? अदरवाइज जो लैन होता है वो तो हम केबल से लैन नेटवर्क को हम सप्लाई देते हैं। हाँ, और जो कैन होता है, जैसे आपने बोला कि वो वायरलेस होता है, एक लोकल नेटवर्क लैन के ही तरह वो काम करता है, लेकिन वो वायरलेस काम करता है, ठीक है? तो क्या हम कैन को हम वायरलेस लैन कह सकते हैं इसको? देखो, कैंपस एरिया नेटवर्क में
हमारे एक तरीके का म्यूट कर लीजिए, एक बड़ा इकोसिस्टम कनेक्ट हो रहा है। ओके देखो, हॉस्टल भी यहीं से है, एग्जामिनेशन सेंटर भी है, एडमिशन सेक्शन भी है, एकेडमिक बिल्डिंग भी है, लाइब्रेरी भी है, और सभी वायरलेसली कनेक्टेड हैं। ओके अभी समझ में आया डिफरेंस? और ठीक स्पेसिफिक, अब ये फोर्स नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इट इज अ वायरलेस ओनली। ओके हर एक फ्लोर या हर एक डिपार्टमेंट को आप वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करके उसका कैंपस बना सकते हो, और उसका एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम बना सकते हो। थ्रू सिंगल सेंट्रल डिवाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस, यू कैन कंट्रोल एवरी वाईफाई नेटवर्क। तो सिंगल, जो भी यस सर, हमारे अब पूरे समझ ऑफिस, गया। पूरे इन्वायरमेंट के जो यूजर होंगे, वो कहाँ से कनेक्ट होंगे? सेंट्रल डिवाइस से। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग, देयर इज नो नेटवर्क इंटरप्शन, देयर इज नो नीड टू अप्लाई रिक्रेडेंशियल फॉर योर डिवाइस फॉर दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, है ना? एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाओगे, वहां का नेटवर्क ऑथेंटिकेशन दूसरा है, बट आपको वो करने की जरूरत नहीं है। योर सेंट्रल डिवाइस विल मैनेज दीज ऑल थिंग्स। ओके और इसको प्रैक्टिकली हम लोग आगे देखेंगे। अभी क्लियर हो गया कि कैंपस हमारा क्या होता है? जी एक सर, बड़े कंफर्म। नेटवर्क सिस्टम के बारे में बात किया जाता है। ओके गुड, तो आप देख सकते हो इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, गॉट इट? तो कभी भी इसको ये मत बोलना कि इट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। मल्टीपल्स लोकल एरिया, मल्टीपल बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। ओके सर, ओके सर। स्टिल किसी को कोई डाउट है अभी भी? नहीं ना? नो सर, नो सर। तो ये है सिंपल सा। और अब हम लोग, हाँ पूछिए। सर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड एक्सेस पॉइंट? राउटर एंड एक्सेस पॉइंट, देखो एवरी डिवाइसेस आर, एवरी डिवाइसेस आर नेटवर्किंग डिवाइसेस विच ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस आर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। ओके बट राउटर इज ऑल्सो एक्सेस डिवाइस, एन एक्सेस डिवाइस, वो भी क्या हमारा एक एक्सेस डिवाइस है। एंड एक्सेस पॉइंट के बारे में आपने पूछा, अनदर वन इज एक्सेस पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन यस सर, राउटर एंड एक्सेस पॉइंट। सो डोंट वरी, इन नेक्स्ट सेशंस वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्सेस पॉइंट, व्हाट इज द फीचर ऑफ एक्सेस पॉइंट, व्हाट इज द राउटर। ओके सो राउटर इज अ कोर डिवाइस। एक्सेस पॉइंट मीन्स यू कैन अप्लाई अ डिवाइस टू एक्सेस एनी डेटा आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन, राइट? वो हमारा एक्सेस पॉइंट है। लाइक यू कैन सेट अप नेटवर्क फॉर 200 यूजर ओवर अ कंपनी, सो दैट वॉज क्या है वो स्पेसिफिक क्या होगा आपका? एक एक्सेस पॉइंट के थ्रू आप उसको दे सकते हो, यू कैन सेट अप एन एक्सेस पॉइंट। तो ये वायर्ड वायरलेस दोनों तरीके से हो सकता है ना? तो वो एक एक्सेस पॉइंट है, बट राउटर इज ऑल्सो एन एक्सेस पॉइंट फॉर इनसाइड ऑफ नेटवर्क एंड आउटसाइड ऑफ नेटवर्क, वो भी तो एक एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट मीन्स जहां से हम डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो। मैं बिल्कुल बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? एंड यस सर, आई कैन अप्रूव दीज ऑल थिंग्स इन नेक्स्ट लैब, कि कैसे हम ये सब सेटअप भी करते हैं। आप लोग बहुत आगे की चीजें पूछ रहे हो, मैं जिस बेस पर पढ़ा रहा हूँ उस पर नहीं पूछ रहा हूँ। आप लोग भाग जा रहे हो आगे। एक्सेस पॉइंट हमारे पांचवें या छठे मॉड्यूल में पढ़ा जाएगा, राउटर्स हमारे तीसरे मॉड्यूल में पढ़ा जाएगा, राइट? ओके सर, ओके सर, थैंक यू। तो अगर बहुत इधर उधर जाएंगे तो ट्रैक पर मुझे लाने में दिक्कत होगी, राइट? और ओके मेरा एक आदत है कि मैं किसी भी सर, क्वेरी को ऐसा नहीं बिल्कुल टाल नहीं सकता, मैं आंसर जरूर करूंगा, आप पूछिए, पूछते रहो। बिकॉज दिस वन आई हैव डाउट बिकॉज आई बाउट वन राउटर एसटीसी कनेक्शन हियर इन सऊदी अरेबिया। यस सो यस आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट कनेक्शन फ्रॉम मेन राउटर टू एक्सेस पॉइंट। सो दे वर आस्किंग विल वी गेट सेम इंटरनेट स्पीड लाइक आई बाउट 300 Mbps राउटर।
इट सो दे विल गेट द सेम स्पीड ऑन बाय द एक्सिस पॉइंट. यस दे विल बिफोर कॉन्फ़िगरेशन आर बिफोर बाइंग यू मस्ट टॉक टू वेंडर लाइक आई नीड दीज ऑल सेटअप्स ओके आई नीड दीज ऑल सेटिंग्स सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंफ्रा टीम बट इफ यू वॉन्ट टू सेटअप दीज ऑल थिंग्स यू कैन बाई अ राउटर एंड एक्सेस पॉइंट विथ स्पेसिफिक स्पीड डिटेल राइट आप उसको देख लो कि अगर हम ओके एक राउटर लेते हैं एंड राउटर हैज टू ईथरनेट पोर्ट वन इज फास्ट ईथरनेट अनदर वन इज जीबी ईथरनेट एंड यस योर एक्सेस पॉइंट हैज वन पोर्ट विच इज आर टू पोर्ट वन इज फास्ट ईथरनेट अनदर वन इज ऑल्सो फास्ट ईथरनेट. सो अगर आप 1 GBPS का भी कनेक्शन ले लोगे ना इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड द सेम एक्सेस सॉरी सेम बैंडविड्थ फॉर बोथ है ना ओके आर सर सेम थैंक यू स्पीड दिस फॉर वन आई बोथ. हैव डाउट सो आई आस्क्ड यू थैंक हाँ सो यू सर इट इज मैंडेटरी टू कंपेयर द पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन बोथ डिवाइसेस बिफोर इस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन राइट. कि अगर आपका एक ओके तरफ 100 MBPS है तो दूसरी तरफ भी 100 MBPS होना चाहिए एंड स्टिल द ईथरनेट टेक्नोलॉजी इज जस्ट टू शेयर द डेटा फ्रॉम योर राउटर टू योर एक्सेस पॉइंट है ना विथ डेडिकेटेड बैंडविथ. इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू चेक द वायरलेस फ्रिक्वेंसी. आपको वो भी चेक करना है ना कि अगर आपने वायरलेस फ्रिक्वेंसी लिया स्पेसिफिक वायरलेस फ्रिक्वेंसी हमारा 802.11B पर है आर ए पर है या जी पर है सो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक आर इट इज नॉट पॉसिबल टू लोड मोर देन 300 बैंडविथ ऑन सेम डिवाइस. स्पेसिफिक अगर आपका GBPS देखा जाए लाइक 1000 MBPS हो तो भी. तो ये एक तरीके का इंफ्रा टीम का पार्ट है. स्टिल आपको थोड़ा अगर 10 20 30 लेक्चर आप लोगे तो ये सब आइडिया हो जाएगा एंड विदाउट एनी हेजिटेशन आप इम्प्लीमेंट कर दोगे. ओके ओके okay? सर कंटिन्यू सर हाँ कंटिन्यू लेक्चर हम लोग एक्सेस पॉइंट भी पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से सेटअप भी करेंगे राउटर के साथ तो अच्छे से और क्लियर करा दूंगा मैं. ओके okay? ये पूरा चैप्टर है जो आप पूछ रहे हो. हाँ ओके सर मोर देन 3 या 5 3 या 4 आवर्स वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेस पॉइंट एंड वाईफाई नेटवर्क. ओके 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 अच्छा और किसी को कोई क्वेरी. अभी 2 3 दिन का समय है 2 दिन का समय आप लोग जितना जैसा भी जैसा इधर उधर से पूछो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है. ट्रैक या बुक के चैप्टर के अकॉर्डिंग चलने पर. हाँ सर सर जैसे आपने एक्सेस डिवाइस के बारे में बोले अभी तो ऐसे देखा जाए तो राउटर की तरह L3 स्विच को भी एक्सेस डिवाइस हम ले सकते हैं कौन से स्विच को L3 स्विच जो लेयर थ्री स्विच होता है ना देखो एक्सेस तो डिवाइस उसको और भी हम एक्सेस पॉइंट इज अनदर थिंग. ओके नहीं एक्सेस डिवाइस के बारे में बोले हाँ हम यू कैन से ओके सर इवन देन L2 डिवाइस इज आल्सो एन एक्सेस डिवाइस राइट बिकॉज मेनी यूजर्स आर लोकल लोकल यूजर्स कैन एक्सेस डेटा L3 के फ्रॉम बारे सिंगल में डिवाइस. मैंने इसलिए बोला कि L3 स्विच ऐसे राउटर की तरह भी काम कर सकता है स्विच की तरह भी काम कर सकता है हाँ इसलिए यू कैन आंसर लाइक म्यूट कर लो म्यूट कर लो. ओके सर ऐसे लग रहा है एरोप्लेन जा रही है कहीं से. सो एक्सेस पॉइंट सॉरी L1 एक बार रीज्वाइन कर लो. मेरा आज जूम का सब्सक्रिप्शन आई थिंक एक्सपायर हो गया है. ये 40 मिनट में एक्सपायर हो रहा है. पिछला बैच भी ऐसा हुआ मैं इसको रिन्यू करता हूँ अभी. ठीक है एक बार रीज्वाइन करिए सभी लोग एक बार ओके रीज्वाइन. सर ओके ओके सर लीव करके रिजॉइन कर लें।